मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों आंगनवाड़ी के हालात सुधारने के लिए भोपाल में ठेले पर खिलौने और जरूरी सामान इकट्ठा किया था। शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर राष्ट्रीय गौसेवा संघ के राष्ट्रीय महासचिव राजिक फर्शीवाला ने सेक्टर क्रमांक 1 भगत सिंह मार्ग पर आंगनवाड़ी बच्चों के लिए खिलौने और मेज टेबल प्रदान की। राजिक फर्शीवाला ने इस मौके पर कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। प्रत्येक संपन्न व्यक्ति को राष्ट्र हित अनुदान करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी के खस्ता हो रहे हालात पर शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की कि वो आंगनवाड़ी के विकास में अपना योगदान दे। इसी कड़ी में राजिक फर्शीवाला द्वारा ये कार्य किया गया। आज बड़ा हर्ष का विषय है, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सभी दानदाताओं से निवेदन करा था कि आंगनवाड़ी में बच्चों को खिलौने देना है। उसी तारतम्य में आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में ठेले से खिलौने इकट्ठा करे। हमने भी उनके मार्गदर्शन में स्थानीय भगत सिंह मार्ग आंगनवाड़ी में मेरी ओर से और मेरे परिवार फर्शीवाला परिवार की ओर से आंगनवाड़ी केंद्र में फिसल पट्टी और टेबलें, जो खाने के लिए टेबल नहीं थी यहाँ पर, वो टेबल दी है और अच्छी मजबूत फिसल पट्टी हमने दी है ताकि बच्चे यहाँ पर खूब मस्ती करें, एंजॉय करें। यहाँ खाने के लिए नीचे बैठ के खाना खाते थे बच्चे, बड़ा दीदी ने मुझे बताया तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे, तो मैंने कहा नहीं दीदी, बच्चे हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, ये नीचे नहीं टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे, कुर्सियां इनके पास थी ऑलरेडी, तो हमने आंगनवाड़ी में आज माननीय श्री और पढ़ाई टेबल पर पढ़ाई भी करेंगे, खाना भी खाएंगे और ये बच्चे इस देश का नाम रोशन करेंगे, जो जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने आह्वान किया था हमने उसका अक्षमता पालन करके आज इस आंगनवाड़ी केंद्र में ये सामान गिफ्ट किया है, भेंट किया है। मेरा नाम सारिका सोलंकी है और मैं भगत सिंह मार्ग में आंगनवाड़ी का कार्य करती हूँ और यहाँ पर मेरी आंगनवाड़ी है। और मैंने राजीव भैया जो है हमारे फर्शी वाले, उनसे निवेदन किया था कि भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो बच्चों के लिए खिलौने और अनुदान मांग रहे हैं, आंगनवाड़ी के लिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पर क्या है कि मैंने भी सिर्फ भैया से यही कहा कि भैया जब मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं दे सकते हैं, तो आप भी हमारे को, मैंने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने बाकायदा मेरी बात मानी और बाकायदा बच्चों को बहुत ही मजबूत फिसल पट्टी और दो टेबलें दी है, जो कि हमारे को बहुत ज्यादा आवश्यकता थी इस चीजों की। और आगे भी मैं भैया से यही चाहती हूँ कि आगे भी मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे और भी जो चीजों की जरूरत लगेगी तो वो बाकायदा आप मुझे देंगे, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि आपको जब भी जरूरत लगे, बिल्कुल मेरा घर खुला है, जब भी आपको जरूरत लगेगी आप बिल्कुल बेझिझक बोलिएगा। और